आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्यूरी टेक में। सो गाइस, इस बार हम सेंसुई एलईडी का अनबॉक्सिंग वीडियो लगा गाइस, जो हमारा 32 इंच का एलईडी टीवी है। सो गाइस, इसका आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको हम इसके बॉक्स से बाहर निकालेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या सामान मिलते हैं और उसे कैसे यूज करना है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। और गाइस, इसको हम ऑन करेंगे टीवी को, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। सो गाइस, आपको मैं ऊपर साइड इसका बता दूं क्या क्या लिखा हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं 32 इंच का हमारा एलईडी टीवी है, 80 सेंटीमीटर नापने जाए तो। और गाइस, एचडी रेडी प्राइम सीरीज का इसका पैनल दे देता है, मतलब इसमें आईपीएस पैनल नहीं गाइस, एचडी रेडी प्राइम सीरीज का इसमें पैनल दे देता है। क्लियरिटी आपको 4K की क्लियरिटी नहीं दिखेगी, एचडी की क्लियरिटी इसमें दिख जाएगी। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिख के दे दिया है, JSW32ASHD करके इसका मॉडल नंबर है। और यहाँ पे एलईडी स्मार्ट टीवी है हमारा, मतलब ये हमारा स्मार्ट टीवी है और इसमें जो फंक्शन वर्क करता है गाइस वो एंड्रॉयड का है। एंड्रॉयड टीवी भी लिख दें यहाँ पे, स्मार्ट की जगह एंड्रॉयड भी लिखा है, ये एंड्रॉयड टीवी है गाइस। और इसमें गाइस ओके गूगल, मतलब हमारा वॉइस से, मतलब हमारे रिमोट जो है हमारा, इसमें आपको वॉइस कंट्रोलर दे देता है, मतलब आप इसमें गूगल में जो भी बोलोगे रिमोट में आपको ये कैच करेगा ओके गूगल करके। और गाइस, यहाँ पे क्रोमकास्ट, मतलब मोबाइल भी आपका टीवी में दिख जाएगा। और ब्रांड आप देख सकते हैं सेंसुई ब्रांड है, जो जापानीज कंपनी है और ये इंडिया में बनी है। सो गाइस, अभी इसको इसके बॉक्स से बाहर निकालते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या सामान मिलते हैं और इसे हम चालू करेंगे, और आपको एक वीडियो भी छोटा सा चला के मैं दिखा दूंगा। बॉक्स से बाहर आने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है। इसमें एक पैकेट मिल जाता है हमें, जिसमें रिमोट, वायर, अडेप्टर और स्टैंड दे देता है। और हमारा ये एलईडी आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकिंग में, और एक वॉल माउंटिंग दिख जाता है यहाँ पे, देख सकते हैं वॉल माउंट को आपको खोल के दिखा देता हूँ मैं, देख सकते हैं यहाँ पे वॉल माउंट है। और इसका नट्स यहाँ पे दे दिया इसमें, स्क्रू इसके बहुत पूरे स्क्रू दे दिए। तो गाइस, अब इसको मैं और भी आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या मिला। इसके पैकेट में गाइस हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड इसमें मिल जाता है हमें। ये हमारा वारंटी कार्ड है, देख सकते हैं, ये हमारा वारंटी कार्ड है, इसे हमें संभाल के रखना है। और ये हमारा यूज़र मैनुअल देख सकते हैं, यहाँ पे यूज़र मैनुअल है पूरा आपके, इसको और भी अच्छे तरीके से जानने के लिए ये है हमारा यूज़र मैनुअल। और गाइस, इसके पैकेट में और भी जो जो सामान है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिमोट, वॉइस कंट्रोल वाला रिमोट है, ये आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। बाकी इसके बाद गाइस मैं इसका फीचर्स ही बताऊँगा पूरा, देख सकते हैं ये हमारा रिमोट है। आप अगर वॉइस कंट्रोलर यहाँ पे दे दिया, इसे हम दबा के रखेंगे यहाँ पे, इसका वॉइस का देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नॉब्स दिख रहे होंगे आपको। ये हमारा वॉइस कंट्रोल रिमोट है, ये हमारा स्टैंड है, टेबल स्टैंड देख सकते हैं, टेबल स्टैंड है हमारा, AAA का 2 सेल मिल जाता है हमें। इसके पीछे साइड का एक अडेप्टर दे देता है वायर, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये कुछ 2 मीटर का वायर रहता है। और गाइस, एक AB केबल, मतलब आपका अगर सेटअप बॉक्स नॉर्मल है तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक AB केबल दे देता है। सो गाइस, अभी हम अपने LED TV को चालू करेंगे और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कैसी कैसी सेटिंग्स हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, LED चालू करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको ये इंटरफेस नहीं दिखेगा तो आपको रिमोट में क्या करना है, होम लिखा हुआ बटन यहाँ पे, इससे प्रेस करोगे तो ये पूरा फंक्शन आपको दिखेगा। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट में नेटफ्लिक्स दे दिया है, अमेजोन प्राइम यहाँ पे दे दिया है, प्राइम वीडियो करके यहाँ पे दे दिया है, मतलब ये सब पर्टिकुलर ऐप आपको इसमें एंड्रॉयड की तरफ से आपको इंस्टॉल करके ऑलरेडी इस टीवी में दे दिया है। पर्टिकुलर जो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और गूगल प्ले का इसमें बटन दिया है रिमोट में, अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपको इनका एक्सेस मिल जाएगा। जैसे हमने अभी गूगल प्ले मूवी को बटन को प्रेस किया और हमें डायरेक्ट इसका एक्सेस मिल जाएगा। पर गाइज, आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं, अपने टीवी को वाईफाई दे देते हैं, वाईफाई का कनेक्शन, नेट का कनेक्शन। सो अभी क्या करना है, हमें बैक जाना है, थोड़ा सा बैक जाने के बाद गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई का लोगो यहाँ पे,
हमने अपना नेट ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है वाईफाई, हमारा क्यूरी टेक करके हमारा वाईफाई का नेम है। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे जाने के बाद आपको जो भी आपका वाईफाई है आपको यहाँ पे फॉरगेट नेट कनेक्शन पूरा यहाँ पे दे देता है। फॉरगेट नेटवर्क करेंगे या ओके करता हूँ, रिटर्न आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ मैं। गाइज हमारा क्यूरी टेक आया, इसका पासवर्ड गाइज हमने सिंपल ही रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया है, देख सकते हैं आप कैसे हमने कनेक्ट किया। सो अभी बैक हो जाते हैं। अभी जैसे गाइज मैं आपको इसकी क्लियरिटी एक वीडियो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, कोई भी ज़्यादा वीडियो देर तक नहीं चलाऊंगा बट आपको प्ले करके दिखाता हूँ यूट्यूब पे जाके। क्लियरिटी गाइज इसकी बहुत बेहतरीन दे दिया मैंने, पर्टिकुलर बहुत ही यूज़ किया है। गाइज आपको कैमरे में उतना खास नहीं दिख रहा बट गाइज सामने से बहुत ही अच्छा दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। गाइज आपको मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, 8K का वीडियो है कुछ, दिखाता हूँ प्ले करके। सो गाइज हमारे LED में जो पैनल लगा है वो HD रेडी प्राइम सीरीज का पैनल है। सो गाइज इसकी क्लियरिटी में गाइज मुझे तो कोई कमी नहीं दिखी है, नॉर्मली गाइज बहुत ही बेहतरीन दिख ही रहा है पैनल, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी दे दी गई है इस पिक्चर की। सो गाइज ये हमारा एक हमने वीडियो एक छोटा सा आपको प्ले करके दिखा दिया, अभी हम बैक होते हैं गाइज इसमें। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको अपना रिमोट जो है उसे पेयरिंग करना पड़ेगा। तो ये पेयरिंग मोड कहाँ से आएगा आपको बता देता हूँ मैं बैक होके। आपको यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग का बटन, सेटिंग पे आपको आना है, यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग का। यहाँ पे आने के बाद इसे ओके करो, ओके करने के बाद आपको एकदम नीचे रिमोट्स एंड एसेसरीज आपको यहाँ पे दिख रहा है लिख के। तो आपको सिंपली क्या करना, ऊपर ये दिख रहा है यहाँ पर ही ऊपर आपको बटन को लेके आना है। ऊपर लाने के बाद गाइस जरा सा बस ओके कर देना आपको और ये आपका पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाए। देखो आपको पेयरिंग कनेक्टेड हो गया गाइस, आपका रिमोट कनेक्ट होने के बाद। सो गाइज आपको सिंगल क्लिक में आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो गूगल असिस्टेंट का रिमोट है बटन है उसे हम सिंगल क्लिक करेंगे। उसके बाद मेलबोर्न फ्री डिश पूरा ही लिख के आ गया इसमें, तो सिंगल क्लिक मेलबोर्न फ्री डिश। सो गाइज एक बार और करते हैं क्लिक मेलबोर्न फ्री डिश सेटिंग। सो गाइज हमने और भी वीडियो बना के रखा है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो गाइज इसमें और जो फीचर्स हैं आपको दिखा दूं मैं, थोड़े से और भी फीचर्स हैं, बैक करके आपको लेता हूँ दिखा देता हूँ मैं। सो गाइज इस बटन से आप सिंगल क्लिक में कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा नेटफ्लिक्स, कहा नेटफ्लिक्स पूरा लिख के दे दे रहे तो। सो गाइज एक बार और नेटफ्लिक्स। सो गाइज ये हमारा ओपनिंग हो रहा है नेटफ्लिक्स। सो गाइज इस बटन से आप मतलब सिंगल क्लिक में ही सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्राइम वीडियो। सो गाइज प्राइम वीडियो पे चला जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिख रहा है ओपनिंग प्राइम वीडियो। सो गाइज इस बटन से काफ़ी मतलब काफ़ी कूल टाइप का हम यूज़ कर सकते हैं इस TV को। सो गाइज आपके घर में मोस्टली आप वाईफाई रखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप इस TV को यूज़ कर पाएंगे। सो गाइज अगर आपको ये TV लेना रहे ले सकते हैं गाइज, काफ़ी अच्छा TV है। एक तो एंड्रॉयड फीचर्स दे दिया है तो काफ़ी बेहतरीन ही है, चलेगा ही चलेगा। सो गाइज ये था हमारा अनबॉक्सिंग और इसका फुल रिव्यू का वीडियो। सो गाइज अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।